अल्लाह वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम तीन से तेरह तारीख को वो उनका शेड्यूल्ड मिशन था और एक दिन का मेरे ख्याल में एक्सटेंशन की चौदह को फिर वो चले गए हैं मगर उन्होंने जो प्रेस रिलीज इशू की थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें लिखा गया है स्टेट फास्ट प्रोग्रेस ऑन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल पेव द वे फॉर द आई एम एफ एग्जीकटिव बोर्ड कंसिडरेशन ऑफ द रिव्यू इससे जो समझी वो यही है कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आप अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे अगर आप अ, जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी नहीं करेंगे तो अ, जो जो मिशन है वो रिकमेंड सबमिट नहीं करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने जिसकी अप्रूवल जरूर बहुत ज़रूरी होती है टू रिलीज एनी ट्रांच तो वो ट्रांच जो है वो रुकी हुई है यानी कि टॉक्स जो हैं प्रॉब्ली अब ऑन हैं क्या क्या चीज़ रुकी हुई है और क्या ये Um, ये गवर्नमेंट जो है वो कपिटुलेट करेगी इन दी एंड विल दे हैव टू एग्री और नॉट इसको डिस्कस करेंगे आज हम हमारे साथ डॉक्टर शफ़ाक़ हजर खान साहब हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है ही इज़ बीन अ वेरी सीनियर गवर्नमेंट फिगर एंड नाउ ही इज डीन ऑफ नस्ट यूनिवर्सिटी ही इज़ एन इकानमिस्ट ऑफ नोट वेल रिकॉर्डेड इन द कंट्री एंड आउटसाइड साथ उनके तािर अमीन साहब हैं ही इज़ द बीट रिपोर्टर बिजनेस रिकॉर्डर के और इनसे पहले हम ताब से पूछ लेते हैं कि क्या क्या अपडेट है अबाउट द आई एम एफ़ प्रोग्राम जी ताहिर साहब जी मैं तो स्टार्ट इससे करूंगा कि 28 जनवरी को आईएमएफ ने एक इनविटेशन भेजा था जो जर्नलिस्ट है सीनियर एंकर पर्सन है और उसमें एनालिस्ट है और उनको दावत दी थी कि 18 को एक सेमिनार अठारह फरवरी को और इसका मकसद ये था कि तर्टीन को जब हमारा ये प्रोग्राम या रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों को इतमाद में लेंगे कि हमने क्या किया जी बिल्कुल इसी तरह किया था वो तीन से तेरह तक डिस्कशन रही

तो तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते बिल्कुल मगर आपने एक सवाल पूछा था उधर से। जी मैंने एक क्वेश्चन अब्द रिकॉर्ड उनसे पूछा की रिकॉर्ड तो, तो नहीं होगा अगर आप हमें बता रहे हैं जी, बट आपने सवाल पूछा था कि जी क्या बना उस प्रोग्राम का तो उन्होंने जवाब क्या दिया था तो उसने यही कहा कि,

ज्यादा हम कर भी नहीं कर सकते भी नहीं सकते ये भी चैलेंजिंग टारगेट फोर पॉइंट सेवन ट्रिलियन ये भी उनका क्या है और वो कह रहे की हम कम भी करे तो फोर पॉइंट नाइन ट्रिलियन यानी दोज का था उसको कम करके फाइव पॉइंट

ज्यादा पे वो बोरो किया हुआ है पावर सेक्टर ने उसके इंटरेस्ट रेट भी जो गवर्नमेंट जो है पास ऑन कर रही है हम लोगों को Consumer और वो फंड जस्टिफाइड है क्यों अशोक सर जस्टिफाइड है फंड के वो कहता है कि फुल कॉस्ट रिकवरी करो अगर तुम खुद गवर्नेंस नहीं इंप्रूव कर सकते यू हैव टू पास इट ऑन और ये अब कर नहीं पा रहे आई कम टू यू सर नाउ बट आर योर व्यूज ऑन द फंड मिशन ने तो काफी ठीक बता दिया hmm. मेरा भी यही व्यू है कि ये जो रिव्यू था ये रिमेंड इनकनक्लूसिव right. अभी उन्होंने कुछ अहदाफ दिए हैं कि आप इसको कर लें जब आप कर लेंगे चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से या इन राइटिंग हमें बता दें तो, तो देखे फिर देखे हम कहेंगे कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और फिर वो बोर्ड के पास लेकर जाएंगे लेकिन अगर वो होना होता वो सारे अहदाफ जो हैं जिसमें मेरा अपना ख्याल है कि एक तो रेवेन्यू का टारगेट है देखें ये ज्यादी है पाकिस्तान के साथ में हम जैसे लोगों को जिसको ए बी सी डी का पता है वो डे वन से ये कह रहा है कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है ये नहीं हो सकते है। इसका कसूर आप इसको हैं

ए, ए, एक तरफ आईएमएफ वाशिंगटन था और दूसरी तरफ आईएमएफ इस्लामाबाद था यू रियलाइज शेख रह गया कुछ नहीं होगा चले जाएंगे फिर जरूरत पड़ेगी फिर बुला लिया जाएंगे बस यही चलता रहता है बहरहाल वो रेवन्यू टारगेट था ही नहीं आईएमएफ ने It was उनको नो नो इट वाज ए इट वाज ए मैंडेट गिवन टू देम बाय जो भी उनको भी कंट्रोल करते हैं सीधे लिए है, आपको मैं बता रहा हूँ hmm. उनको कहा गया था कि टफ गो टफ उन्होंने कहा एक इेलिवेंट सा टारगेट दे दिया और कहा टेक इट लीव इट असद उमर साहब अग्री नहीं कर रहे थे hmm. उनको पता था कि ये नहीं हो सकता है hmm. और भी बहुत सारी चीज़ें थी करने को hmm. वो थे उसमें फिर आपने देखा कि जो हमारे यूनिस धागा साहब थे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हाँ, उन्होंने उन्हों उन्हों भी कुछ कहा उन्हों उन्हों लेकिन दिया था। फिर जब वो टीम चली गई और आईएमएफ इस्लामाबाद आ गया तो उसने उसको भी हटा दिया उन्होंने कहा कि लाओ भाई क्या किस पे साइन करवाना है चैन हो गया विदाउट रियलाइजिंग के हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है दोनों ही अजनबी थे इस पे, इसके <laughs> right, कभी उन्होंने काम ही नहीं काम किया ना उनको पता ही नहीं है सिस्टम का कि कितना क्या हो सकता है क्या नहीं, तो नहीं, हो सकता है। नहीं हो सकता है अभिषेक ने तो किया वह बाकर साहब ने नहीं किया वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन जी आपने कहा कि दो अजनबी आए हुए थे तो उनको पता नहीं था बट हफीज शेख को पता, को तो होना, तो पता होना, है नहीं हफीज शेख को इसी डेटा बेटा से कुछ पता नहीं होता है ना उसने क्या काम किया था जो उसने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काम किया था मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के तारीख में कहा जाए कि तीन फाइनेंस मिनिस्टर करें जिनके परफॉर्मेंस रही है, <laughs> <laughs> के वो um, 2010 को जब ये आए थे तो जो आईएमएफ प्रोग्राम था वो सस्पेंड का हो गया था पॉवर सेक्टर

एक लिमिट है किसी को पुश करने का कि ये वही इदारा है जिसके ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा था कलेक्शन में 2018-19 में नेगेटिव ग्रोथ है उसको कहा गया कि आप 44-45 परसेंट ग्रोथ लें आप सोचे को, कोई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है तो बहरा मेरे नज़दीक यह है जो मैंने अपने साइंटिफिक तरीके से जो जितनी मेरी नॉलेज है उससे फोरकास्ट किया है तो ये अगर चवालीस बिलियन कर लें फोर ट्रिलियन फोर नहीं 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 होगा ट्रिलियन <laughs> अगर कर लें तो मैं एफ बी आर में खुद जाकर मैं एक एक स्टाफ को सलाम करूंगा hmm. क्योंकि दैट विल स्टिल गिव सेटीन परसेंट ग्रोथ इन रेवेन्यू जहाँ पर दो परसेंट दाय परसेंट अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो कहाँ से आप तक इसी इकोनॉमी से ही तो पैसा जनरेट होगा ना hmm. तो इसलिए वो भी निकल सकेंगे मतलब डॉक्टर मुझे जो जो जिससे के आई आई बीन काइंड ऑफ सरप्राइज इसके जो हफीज शेख साहब थे उन्होंने इनके आने से पहले टीम के आने से पहले पिछले पिछले महीने से शुरू कर दिया था बल्कि उससे पहले भी शुरू कर दिया था कि हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है और ये स्पीच जो इन्होंने दी थी नेशनल असम्बली में उसमें भी कहा था कि 1500 बिलियन रुपए का हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगा यानी कि द फंड डिड नॉट एग्री टू 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 मेक गुड दैट रेवेन्यू ये कोई मतलब उसने तो कहा था ना वो वो कुछ प्रोको जिससे नहीं कुछ प्रोको तो नहीं होता है हुँ. इसमें अगर आप एक बजट डेफिसिट का टारगेट बीट करना है हुँ. या प्राइमरी डेफिसिट का हुँ. टारगेट बीट करना है स्टेट बैंक के पास अनलिमिटेड अमाउंट होते हैं हुँ. मैं आपको ये बता दूं डिफरेंट करता है कि गवर्नर कौन है हुँ. और वो कितना मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ उसके अच्छे तालुकात हैं जनरली

क्वार्टरली रिपोर्ट में दिया है क्वार्टरली में है ये तो अगर इतना पैसा वो दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम रेवेन्यू के टारगेट को मीट करने की सलाहियत रखते हैं वो जो मेरे लिए एक न्यूज था क्योंकि जब मैंने ग्यारह साल जब मिनिस्ट्री में नहीं, वो प्राइवेटाइजेशन का तो प्रोसीज तो नहीं है

दूसरा यह है कि उनके जो दिए हुए टारगेट हैं उसको अचीव करने के लिए भी 200 बिलियन का गैप है तो यू हैव टू कम विथ एडिशनल टैक्स मेजर्स 200 बिलियन के लिए हाफिज शेख साहब बार बार कह चुके हैं कि कोई मेरी बजट नहीं आएगा आपको लाना पड़ेगा तो वो एक कह के वो फंस चुके हैं तीसरा है पावर सेक्टर से रिलेटेड कि ये जितना कॉस्ट है देखें ये पावर सेक्टर का जो हम जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ना टैरिफ बढ़ा बढ़ा कर आप कभी भी पावर सेक्टर को एड्रेस नहीं कर सकते हैं देखिए कैसे हैं मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे पास एक्सेस सप्लाई है, hmm. है ठीक ना? हमारी डिमांड बहुत कम है तो वी हैव hmm. hmm. लेकिन जिनके साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है उसको hmm. हम सिक्सटी परसेंट ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट करते हैं hmm. तो कैपेसिटी पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है okay. थी पिछले माली साल में कुछ साढ़े छः के करीब बिलियन था साढ़े छः सौ बिलियन इस साल और भी ज्यादा हो सकता है तो कितना बड़ा बजटरी हिट है वो तो जब ऐसी कैफियत हो तो आपको क्या करना चाहिए कॉमन सेंस इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बताता है कि आप उसके डिमांड को बढ़ाएं ताकि ये गैप कम हो डिमांड कैसे आप इंक्रेज करेंगे जब आप उसकी प्राइस को कम करेंगे लोगों को यूज ज्यादा mm -hmm. कहें कि जी आप करें अपनी इंडस्ट्रीज को कहें कि जी आप सिर्फ जनरेशन पे जो चले गए mm -hmm. उससे हटे आपको सस्ती बिजली दे रहा हूँ तो say. उनका कहते हैं कि जी आप बढ़ाएं। जब बढ़ाएंगे आप फिर वो कम इस्तेमाल होगा फिर वो गैप बढ़ा रहेगा फिर वो मतलब ये हम एक विश्व साइकिल फंस चुके हैं ये

ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है फूड इन्फ्लेशन 25 फाइव परसेंट अराउंड है तो ये मजीद लोगों में इतनी सख्त नहीं है कि बर्दाश्त कर ले और अगर इंडस्ट्री में है नहीं क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद हो रही है जी और अगर दूसरी साइड पे इस तरह के मयस नहीं ले सकते

अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि क्या ये जो इन्होंने एग्रीमेंट की थी विद द फंड यू यू थिंक दे जस्ट हैड नो क्लू अबाउट द नंबर्स दे वर साइनिंग जी बिल्कुल बट डू यू थिंक कि दे रिपेंट टू मच ऑन इमरान खानस पॉपुलैरिटी एंड दैट इज कमिंग होम टू रूस्ट देखिए मैं आपको बताऊं कि जब शुरू शुरू में प्राइम मिनिस्टर आए थे जी तो बाहर में एक बहुत ज्यादा उनके बारे में था, था कि एक नई लीडरशिप है पाकिस्तान And, में corrupt, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी, जी. एक ईमानदार आदमी है कोई hmm. करप्शन पर चार्जेस नहीं hmm. है यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर hmm. है एक जी. बहुत पॉपुलर लीडर है hmm. तो पीपल वे आर वेटिंग पाकिस्तान शुड कम टू मार्केट दैट वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो पीरियड जो था शुरू का

हमने बहुत गलत तरीके से किया इस तरीके से बॉन्ड तो फ्लोट नहीं करते हैं कि एक कमरे में बंद होकर एक तकरीर कर दें और आप आ, कहें कि बॉन्ड फ्लोट हो गया है so आप जाके सारे वेबसाइट so पे देखो इट वाज नॉट मार्केटेड वेट उसके लिए बाकायदा आप रोड शो करते जाके जहां जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको हमने डायस्पोरा बॉन्ड रखा था नाम उसका लेकिन उसको बहुत गलत तरीके से किया और इसलिए वो अपनी मौत मर गया आ, लेकिन इसके अलावा हम जिस वक्त जो पॉपुलैरिटी थी प्राइम मिनिस्टर की so उसको कैश हम, हम कैश, हाँ कैश कर सकते थे उस वक्त उन तो बॉन्ड मार्केट में जाकर लोग कहते हैं कि जी वो आईएमएफ के सर्टिफिकेशन नहीं थी यार हमने भी तो आईएमएफ के बगैर बॉन्ड फ्लोट करते रहे 2004 में आ, आ, के बाद से जब आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल आए तो चार से लेकर सात तक हमें चार पाँच बॉन्ड फ्लोट किए वो run, सारे के सारे जो है वो uh, आय के बगैर किया था जी, जी. So, सही इट इज इंसोर टू दी ग्लोबल इन्वेस्टर सही सही थैंक यू बहुत वेरी मच खीन रजाद आपने सुना डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो इनिशियल पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी थी बहुत विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री उस पर कैश इन नहीं किया और पाकिस्तान बनाओ जो जो था उसको डॉक्टर साहब इट फेल्ड एक्चुअली बट डॉक्टर साहब का ख्याल है कि वो मार्केट ठीक तरह नहीं किया गया एंड मोर रोड शोज शुड हैव गवर्नमेंट है ज डन बट मेरे ख्याल में बहुत हद तक जो असद उमर साहब थे वो उनका जो अप्रोच थी टूवर्ड्स आई एम एफ वो विंडिकेट हुई है बहुत बेस्ड ऑन द रिस मिशन वी विल होप के ये जो इनकंक्लूसिव टॉक्स हैं ये कंक्लूजन की तरफ जाएँ एंड आई एम होपफुल आई थिंक दैट दे विल भी कंक्लूडेड शॉर्टली बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू प्रोसीड विद सर्टन थिंग्स बट है

Hot money <laughs> says, that, that, that will put tremendous pressure on pressure the government, on the government. <laughs> <laughs> So okay, okay. Okay, I'm out of uh, this is uh, this was the opinion of dr Doab I uh, I'm not sure uh, whether uh, it's accurate or not <laughs> but in any case uh, we, we will end the show here on a very very uh, 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 disturbing note that uh, things are not improving right now they seem to be going worse